आज हम चावल के मोदक बनाएंगे, जिसे इस त्योहार में बनाकर खाने का मजा कुछ अलग ही होता है। चावल के मोदक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक छन्नी लेना है। उसी में 1.5 कप चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करकर डालकर इसे छान लेना है अच्छे तरीके से। टिप नंबर 1, आपको आटा जो बांधना है इसे हल्के से गुनगुने गर्म पानी में बांधिए। ध्यान रखिए दोस्तों, आटे को आपको ना बहुत ज्यादा नरम और ना बहुत ज्यादा कड़क बांधना है। ये है टिप नंबर 2। आपको आटा बांधने के बाद 1 टेबलस्पून घी डालकर इसे लगभग 1 मिनट के लिए दोबारा बांधिए और बस एक कपड़े की मदद से इसे ढक दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक हम हमारे मोदक का मेवा ना बना ले। अब मेवा बनाने के लिए मैंने एक पूरा गीला नारियल लिया है, उसी को इस तरीके से कट कर एक ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर दिया। अक्सर लोग इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस के भी बनाते हैं, बट वो उस तरीके से स्वाद नहीं देगा जितना आप इसे किस कर बनाएंगे। अब जैसे हमारा नारियल किसके भी हो गया है, हमें एक पैन लेना है, उसी में लगभग 2 टेबलस्पून आपको घी डालकर तुरंत ही जो नारियल है उसे डाल देना है और बस इसी के साथ हमें 1/2 कप गुड़ डाल देना है। अब बस इसे चम्मच की मदद से हिलाइए और ध्यान रखिए आपको चम्मच इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना। गुड़ अपना पानी छोड़ने लगेगा, बस इसे लगभग हमें अच्छी तरीके से सुखा लेना है। इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। अब फाइनली मैंने इसमें जायफल और इलायची का पाउडर डाला है, ये लगभग 1 टेबलस्पून है। अब बस मिक्सचर को अच्छे से इसे ड्राई कर लीजिए। अब दूसरी ओर देखिए, आटा है वो भी एकदम रेडी है और इस मोल्ड को हल्का सा घी से ग्रीस करना है और आटे की छोटी नियां लेकर इस तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है ताकि जो आटा है वो मोल्ड का शेप ले ले। इस तरीके से खड्डा कर देना है ताकि इसमें जो हमारा मेवा है हम इसे डाल सके। सो देखिए कितना बढ़िया जो हमारा मोदक रेडी हो गया है। और बस फाइनली जो हमने पानी उबालने रख दिया था उसमें इस तरीके से मोदक की छन्नी को रखकर ढक्कन रख देना है लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। कपड़े की मदद से हमें ढक्कन उठा लेना है, ध्यान रखिए ये बहुत ही गर्म होता है। और फाइनली हमारा चावल का मोदक रेडी है निवेद्य के लिए।